हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान। सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस ऑफ 12th क्लास एंड चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज विंडोज मूवी मेकर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द वीडियो स्क्रीन एंड मोनिटर एंड दिस इज पार्ट 6। और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है द वीडियो स्क्रीन एंड मोनिटर, मतलब कि डाउन इन द लोअर लेफ्ट, मतलब कि जैसे ये वाला हमारा लोअर लेफ्ट होता है, ठीक है, आर द बेसिक। वहाँ पर प्ले, पॉज, स्टॉप एंड फ्रेम फॉरवर्ड, ये सारे बटन लगे हुए होते हैं, ठीक है। पॉज करने का, प्ले करने का, स्टॉप करने का, अगर हमने फ्रेम को फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, ये सारे बटन्स लगे होते हैं। द फ्रेम बटन, जो हमारे पास फ्रेम बटन होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउ यू टू एडवांस और बैक अ सिंगल फ्रेम इन द वीडियो, जो हम बोल रहे हैं ये वाले फ्रेम बटन्स, इनसे हम क्या कर सकते हैं, या तो मतलब एक फ्रेम हम आगे जा सकते हैं या फिर पीछे जा सकते हैं, ठीक है। सिंस द बटन स्प्लिट और टेक पिक्चर ऑन द मोनिटर टू परफॉर्म फंक्शन सच एज स्प्लिटिंग अ वीडियो और ऑडियो क्लिप इंटू टू स्मॉलर क्लिप्स और टेकिंग अ पिक्चर ऑफ द करंट फ्रेम दैट इज डिस्प्लेड इन द मोनिटर। देखो क्या बोल रहे हैं, जो बटन स्प्लिट है हमारे पास और टेक अ पिक्चर ऑन अ मोनिटर, अगर हम कोई पिक्चर लेना चाहते हैं मोनिटर से तो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे स्प्लिटिंग अ वीडियो ऑडियो क्लिप, या तो हम स्प्लिट कर देते हैं वीडियो या ऑडियो क्लिप को दो स्मॉलर क्लिप्स में, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे टेक हम बोल रहे थे टेक पिक्चर ऑन द मोनिटर, तो हम एक पिक्चर ले सकते हैं ऑफ द करंट फ्रेम, जो भी हमारे पास डिस्प्ले होगा मोनिटर पर उसकी हम स्क्रीनशॉट जैसे भी हम ले सकते हैं, जैसे हम फोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे इसमें हम जो भी हमारा स्क्रीन पर होगा उसका हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम अगर कोई वीडियो या पिक्चर या कोई ऑडियो है उसे स्प्लिट भी कर सकते हैं हम, मतलब आगे क्लिप्स में। तो उसके बाद हमारे पास है टू प्रीव्यू अ क्लिप, अगर हमने क्लिप को प्रीव्यू करना है, देखना है, तो कैसे करेंगे, इन द कंटेंट पैन, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास कंटेंट पैन होता है, क्लिक द क्लिप यू वांट टू प्रीव्यू। कंटेंट पैन में जाकर आप क्या करोगे, जो जिस क्लिप को आप देखना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, ऑन द मोनिटर। क्लिक द प्ले बटन टू प्रीव्यू द वीडियो और ऑडियो क्लिप, और फिर आप क्या करोगे, प्ले बटन को क्लिक कर दोगे ताकि आप जो ऑडियो और वीडियो है उसका प्रीव्यू एक बार देख सको। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि उसे फाइनली सेव करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारी क्लिप किस तरह से बनी है, तो उसे हम बोलते हैं प्रीव्यू अ क्लिप। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ न्यू कलेक्शन, अगर हमने कोई नई कलेक्शन क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे, कलेक्शन पैन में जाएंगे सबसे पहले, क्लिक द कलेक्शन फोल्डर, कलेक्शन फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और फिर क्या है, ऑन द टूल मेन्यू क्लिक न्यू कलेक्शन फोल्डर, जो हमारा टूल्स मेन्यू होगा वहाँ पर आप जो न्यू कलेक्शन फोल्डर है वहाँ पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आप जो नेम है उसका, ठीक है, जो नई कलेक्शन आपने क्रिएट की है उसका जो नेम रखना चाहते हो वो आप टाइप कर लोगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू स्प्लिट अ वीडियो और ऑडियो क्लिप, तो अगर हमने वीडियो और ऑडियो को स्प्लिट करना तो हम कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेंट पैन में जाएंगे, फिर हम क्लिक करेंगे वीडियो और ऑडियो क्लिप पर जिसे हम स्प्लिट करना चाहते हैं, जैसे हम प्रीव्यू में भी ऐसा ही था कि हम जिसे प्रीव्यू करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, उसी तरह इसमें भी हम वीडियो और ऑडियो जिसे स्प्लिट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे कंटेंट पैन में जाकर। अंडर द मोनिटर मूव द स्लाइडर टू वेयर यू वॉन्ट टू स्प्लिट द क्लिप, जैसे मतलब मान लो आपके पास जो मोनिटर है जहाँ से आप उसे स्प्लिट करना चाहते हो तो आप अपना जो क्या बोल रहे हैं स्लाइडर है उसे आप मूव कर दोगे, ठीक है, जहाँ से भी आप उस क्लिप को काटना चाहते हो, जस्ट स्प्लिट करना चाहते हो। उसके बाद क्लिक द स्प्लिट बटन ऑन द मोनिटर, जो भी मोनिटर पर हमारे पास स्प्लिट बटन होगा उसे आप फिर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम वीडियो और ऑडियो क्लिप को स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे ये देखो, ये हमारे पास ये सारे प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, ये सारे हमारे पास क्या है, बटन्स हैं, और यहाँ से हमारा है स्प्लिट क्लिप टूल, तो यहाँ से हम स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया, देखो, तो ये हमारे पास यहाँ से, अच्छा ठीक है, ये जो ये वाली ऊपर वाली पिक्चर है ना, ये इसे थोड़ा सा हमने मतलब कि
इनलार्ज करके दिखाया है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉप, पॉज, फॉरवर्ड, ये सारे बटन हमारे लेफ्ट कॉर्नर में मतलब नीचे होते हैं, तो यहाँ पर नीचे होते हैं, ठीक है, विंडो मूवी मेकर में। इसे तो हमने मतलब एक इसका स्क्रीनशॉट मतलब जब बोल लो कि एनलार्ज करके आपको दिखाया है, तो यहाँ से देखो जो राइट हमारा कॉर्नर होगा वहाँ से आप पिक्चर भी ले सकते हो जो हमारी स्क्रीन पर होगी, और उसके साथ ही हमारे पास क्या है, स्प्लिट क्लिप टूल भी है, जहाँ से आप अपनी जो पिक्चर है ऑडियो से आप स्प्लिट कर सकते हो। टू स्प्लिट अ वीडियो और ऑडियो क्लिप, देखो सब पहले जब हमने स्प्लिट नहीं किया तो उससे पहले हमारे पास ऐसा था, ठीक है, कलेक्शन में वाटरफॉल्स है, जब हमने उसे स्प्लिट कर दिया तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये हमारी ओरिजिनल ही रही, जिसे हमने स्प्लिट कर दिया वो ये वाली हमारे पास बन गई। उसके बाद आता है हमारा टू कंबाइन अ स्प्लिट वीडियो और वीडियो क्लिप, ऑडियो और वीडियो क्लिप। अगर हमने अभी स्प्लिट किया है वीडियो को, अगर हम उन्हें कंबाइन करना चाहते हैं, फिर से जोड़ना चाहते हैं, या फिर मान लो कि हमारे पास काफ़ी ऑडियो और वीडियो क्लिप्स पड़े हैं, हम उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले कंटेंट पैन में ही जाएंगे, फिर होल्ड डाउन द कंट्रोल की, जो कंट्रोल की है उसे होल्ड डाउन करके रखेंगे, एंड देन सेलेक्ट द कॉन्जिक्यूटिव क्लिप्स यू वांट टू कंबाइन, ठीक है। तो मतलब जिस क्लिप को आप कंबाइन करना चाहते हो कंट्रोल की प्रेस करके उन सबको आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। नोट टू सिलेक्ट कॉन्जिक्यूटिव क्लिप्स, क्लिक द फर्स्ट क्लिप, प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो, जो आपने फर्स्ट क्लिप है उस पर तो आप क्लिक करके रखोगे, उसके बाद प्रेस एंड होल्ड डाउन शिफ्ट की को आप प्रेस करके नीचे ले आओगे, एंड देन क्लिक द लास्ट क्लिप, जो आपकी लास्ट क्लिप है वहाँ तक आप उसे लेकर आ जाओगे। टू सिलेक्ट वन क्लिप एट अ टाइम, अगर आप एक क्लिप को एक टाइम पर सिलेक्ट करोगे, एंड प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की, एंड देन क्लिक ईच क्लिप दैट यू वांट टू कंबाइन, तो आप हर एक मतलब देखो दो तरीके से हम जो हमारे पास क्लिप्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो है जो आपकी सबसे पहली क्लिप होगी उस पर आप क्लिक करके उसके बाद आप होल्ड डाउन करके स्क्रोल करके जहाँ तक भी आप लास्ट क्लिप को ऐड करना चाहते हो वहाँ तक ले आओगे, ठीक है। और दूसरा है कि आप क्या करोगे, कंट्रोल की हेल्प से इकली मतलब कि हर एक जो भी आप क्लिप को ऐड करना चाहते हो हर एक को सिंगल उसमें प्रेस मतलब कि क्लिक करोगे फिर उसको कंबाइन कर सकते हो। तो ये देखो हमारे पास क्लिप है, ठीक है। तो हमारा मूवी मेकर में क्लिप ऑप्शन होता है, उसमें कंबाइन का भी है, डायरेक्ट यहाँ से आप कंबाइन कर सकते हो कंट्रोल प्लस एम की हेल्प से। तो उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ऑन द क्लिप मेन्यू, जो हमारा क्लिप मेन्यू था क्लिक कंबाइन, जो अभी मैंने पीछे बताया था उसमें आप क्या करोगे, क्लिप मेन्यू पर करोगे और फिर कंबाइन हो जाएगा, द रिजल्टिंग वीडियो क्लिप नाउ अपीयर इन द कंटेंट पैन। उसके बाद जो रिजल्टिंग हमारी आएगी वो इस तरह से आएगी, देखो जैसे ये चार थी, इन चारों को हमने सेलेक्ट करके कंबाइन कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास क्लिप जो है वीडियो हमारी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद है टू कॉपी अ क्लिप इन अ कलेक्शन, अगर हमारे पास कलेक्शन में कोई क्लिप है उसकी हम कॉपी करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इन द कंटेंट पैन, कंटेंट पैन में हम क्लिक करेंगे, जो क्लिप्स हैं या क्लिप है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं उन्हें हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे या फिर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इन द एडिट मेन्यू, जो एडिट मेन्यू वहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे ऑन द कॉपी, कॉपी पर आप उस मतलब एडिट मेन्यू में जाके कॉपी पर क्लिक करोगे। इन द कलेक्शन पैन, जो हमारा कलेक्शन पैन होता है, क्लिक द कलेक्शन यू वांट टू कॉपी द क्लिप टू एंड देन क्लिक द कंटेंट पैन। देखो कलेक्शन पैन में आप जाके क्लिक करोगे कलेक्शन जो जिसकी आप कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, एंड देन फिर आप कंटेंट पैन पर क्लिक करोगे। उसके बाद ऑन द एडिट मेन्यू, जो एडिट मेन्यू है उस पर आप फिर उसके बाद क्लिक, अच्छा एडिट मेन्यू में जाके फिर आप क्लिक पेस्ट करोगे, ठीक है, पहले कॉपी कर लोगे आप कलेक्शन पैन से, फिर कंटेंट पैन में जाके आप उसे पेस्ट कर दोगे। तो उसके बाद है टू टेक अ पिक्चर फ्रॉम वीडियो इन द मॉनिटर, ओके, कोई हमारे पास वीडियो है उससे हमने पिक्चर लेनी है हमारे मॉनिटर में, तो वो कैसे करेंगे, इन द कंटेंट पैन, देखो सब कुछ पहले कंटेंट पैन में होता है, सिलेक्ट द वीडियो क्लिप यू वांट टू टेक अ पिक्चर फ्रॉम, उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर लो जिसकी आप पिक्चर लेना चाहते हो,
ऑन द मोनिटर, हमारा मोनिटर राइट साइड पर होता था, ठीक है। तो मूव द प्लेबैक इंडिकेटर ऑन द सीक बार टू द फ्रेम ऑफ द वीडियो दैट यू वांट टू कैप्चर एज अ पिक्चर। मतलब कि आप जो हमारा सीक बार है उस पर जो भी प्लेबैक मतलब कि जहां से आपको प्लेबैक इंडिकेटर मिल रहा है वहां से आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, आगे पीछे जाकर कि किसकी आप पिक्चर लेना चाहते हो। उसके बाद ऑन द टूल्स मेन्यू, टूल्स मेन्यू में जाकर आप क्लिक करोगे टेक पिक्चर फ्रॉम प्रीव्यू, ठीक है। जा तो आप प्रीव्यू में जाकर क्लिक करोगे टेक पिक्चर पर, ऑन द मोनीटर क्लिक द टेक पिक्चर बटन, या फिर आप मोनीटर से ही, आपके पास मोनीटर पर ही पिक्चर लेने का बटन होता है टेक पिक्चर, आप वहां से क्लिक कर सकते हो। इन द फाइल मेन्यू बॉक्स, जो फाइल मेन्यू बॉक्स है उसमें आप क्या करोगे, एंटर अ नेम फॉर द पिक्चर फाइल, आप फिर जो पिक्चर फाइल आपने क्रिएट किया उसके लिए आप नेम दे दोगे और फिर उसे सेव कर दोगे, ठीक है। तो आप इस तरह से वीडियो से पिक्चर ले सकते हो। देखो ये वाला हमारे पास ये एक है, ये मोनीटर है, ठीक है। एक तो हम यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप पिक्चर ले लोगे, या फिर आप यहाँ से स्क्रॉल कर दोगे, ठीक है, जिस फ्रेम की आप लेना चाहते हो पिक्चर, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये वीडियो हमने कंटेंट पैन से सिलेक्ट की हुई है, ये हमारे मोनीटर पर आ चुकी है, तो आप इसकी पिक्चर ले सकते हो। तो हमारा जो चैप्टर है ये कम्प्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। एक पार्ट और क्रिएट करूँगी जिसमें हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।